हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कॉर्न सीरीज का 9th वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे कि यदि आप किसी फाइल से कोई पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं और आपको चेक करना है कि उस फाइल में ऐसी टोटल कितनी लाइंस अवेलेबल है जो उस पैटर्न या स्ट्रिंग से मैच हो रही है, यानी आपको उन लाइंस का टोटल नंबर काउंट करना है जो उस स्ट्रिंग या पैटर्न से मैच हो रही है। तो काउंट कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए ग्रेप कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको ग्रेप लिखना है और उसके बाद आपको हाइपन सी लिखना है और उसके बाद वो पैटर्न या स्ट्रिंग आपको लिखना है जो आप मैच करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, और उसके बाद उस फाइल का नाम आपको लिखना है जिस फाइल से आप वो पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। ये उस फाइल का कंटेंट है। अब मुझे चेक करना है कि myfile.txt में टोटल ऐसी कितनी लाइंस अवेलेबल है जिसमें एप्पल लिखा है। तो उसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, grep-c, उसके बाद वो स्ट्रिंग या पैटर्न आपको लिखना है जो आप मैच करना चाहते हैं। तो अभी हमारे केस में वो स्ट्रिंग या पैटर्न एप्पल है। उसके बाद उस फाइल का नाम जिससे आप ये स्ट्रिंग या पैटर्न सर्च करना चाहते हैं या मैच करना चाहते हैं। तो हमारे केस में अभी वो फाइल है myfile.txt। तो एंटर प्रेस करके देखिए, तो टोटल ऐसी 5 लाइन्स अवेलेबल है myfile.txt में जिसमें एप्पल लिखा हुआ है। तो देखिए, एप्पल और एप्पल, ठीक है। तो ये आपको टोटल नंबर आप काउंट करके दे रहा है जिस लाइन से एप्पल मैच हुआ है। तो साथ में देखो, यहाँ पर एक एप्पल और लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एप्पल लिखा हुआ वो लोअर केस में लिखा हुआ है और ये जो एप्पल लिखा हुआ है वो अपर केस में, यानी केस मैच नहीं कर रहा। यदि आपको साथ में केस इनसेंसिटिव सर्च भी आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको इस कमांड के साथ में -c ऑप्शन के साथ में -i ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा। तो अभी क्या करेगा कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है इसको अपर केस और लोअर केस दोनों मैच करेगा और उसके बाद जितनी लाइन मैच होती है उनका टोटल नंबर काउंट करके आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। तो अब एंटर की प्रेस करके देखिए, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हो गया है 6, यानी 6 ऐसी लाइन अवेलेबल है जिसमें एप्पल लिखा हुआ है, चाहे अपर केस में हो चाहे लोअर केस में। तो इस प्रकार आप केस इनसेंसिटिव सर्च भी आप इस कमांड के साथ में यूज कर सकते हैं। अब मुझे चेक करना है कि myfile.txt में टोटल ऐसी कितनी लाइन्स अवेलेबल है जिसमें एप्पल अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको -c ऑप्शन के साथ में इनवर्स मैच भी यूज करना पड़ेगा, यानी -c ऑप्शन के साथ में आपको v ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर v ऑप्शन और ऐड कर देते हैं, उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए। तो ये इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो हमें बताएगा कि टोटल ऐसी इतनी लाइन्स अवेलेबल है जिसमें एप्पल अवेलेबल नहीं या एप्पल लिखा हुआ नहीं है। तो एंटर की प्रेस करके देखिए, तो टोटल ऐसी 12 लाइन अवेलेबल है myfile.txt में जिसमें एप्पल लिखा हुआ नहीं है। अब उसके बाद मुझे इस कमांड की सहायता से मल्टीपल पैटर्न भी साथ में मैच करने हैं, तो कैसे करेंगे कि जैसे उस फाइल का कंटेंट वापस चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैं चाहता हूं कि टोटल ऐसी कितनी लाइन्स अवेलेबल है जिसमें या तो एप्पल लिखा हो या बनाना लिखा हो, यानी मल्टीपल पैटर्न आपको मैच करना है, तो वो कैसे करते हैं देख लीजिए। उसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, grep-c i और उसके बाद में -e ऑप्शन, क्योंकि आपको मल्टीपल पैटर्न मैच करने हैं। उसके बाद pattern 1, तो pattern 1 में चाहता हूँ एप्पल और उसके बाद -e ऑप्शन और उसके बाद pattern 2 और उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है। तो देखिए, अब ये कमांड क्या करेगा कि myfile.txt में से उन लाइंस को काउंट करेगा जिन लाइंस में या तो एप्पल लिखा हुआ या बनाना लिखा है, तो उनका नंबर टोटल नंबर काउंट करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो देखिए, टोटल ऐसी 9 लाइन है जिसमें या तो एप्पल लिखा हुआ या बनाना लिखा है। तो इस प्रकार आप
टोटल नंबर काउंट करके करने के साथ में आप मल्टीपल पैटर्न भी आप मैच करवा सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।